नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। मेरे लास्ट पार्ट को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था और उसके बाद से ही मुझे लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को Instagram पे, DMs, YouTube में कमेंट सेक्शन में बार बार लोग कह रहे थे कि नेक्स्ट पार्ट लेके आओ। हिमाचल के कोनों कोनों से खोज कर जो हिमाचल की पुरानी जो बड़े बुजुर्ग हॉरर स्टोरीज सुनाते थे या कहीं से भी ढूंढ के लाओ और हमारे सामने प्रस्तुत करो, तो आप लोगों की ही रिक्वेस्ट के चलते आज मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नई हॉरर स्टोरी लेके जो कि मुझे प्राप्त हुई है इन हिमाचल वेब पेज से। तो ना इन हिमाचल वेब पेज ये दावा करता है इन सब चीज़ों का, ना मैं करता हूँ। जैसे हॉरर मूवीज़ बनती हैं और वेब सीरीज़ बनती हैं लोगों को पसंद आती हैं, वैसे कुछ लोगों को हिमाचल की भूतिया कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। अब कितनी सच है कितनी नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता, अब भूत होते हैं नहीं होते ये तो मुझे भी नहीं पता, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कोई बोलता है होते हैं कोई बोलता है नहीं होते, तो इस पर तो बहस करना का कोई पॉइंट ही नहीं है बिकॉज दोनों पक्ष आपस में अच्छे से लड़ सकते हैं अगर आपने सामने बिठा दिया जाए। तो जस्ट इसे एज एंटरटेनमेंट पर्पज ही सुनिएगा, मुझे नहीं पता ये कितनी सच है कितनी नहीं बिकॉज मैंने जैसे पढ़ी मैं आपको वैसे सुनाने जा रहा हूँ, आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दें आपको क्या लगता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जो मेन पात्र होंगे वो है एक लड़का जिसका नाम है अमित, उसके पापा और उसके पापा के एक दोस्त जिसका नाम है पिंकू, जिसे अमित जो है वो प्यार से पिंकू चाचा बोलता था। तो अमित की बताई हुई ये स्टोरी है, तो अमित आपको ये कहानी सुना रहा है। अमित ने कहानी कुछ इस तरह बताई, ये आज से 25-30 साल पुरानी बात है, मेरे पापा के एक दोस्त की शादी थी जो कि सुजानपुर में थी। मैं पापा के साथ सुजानपुर चला गया, वहाँ पे शादी अटेंड की। दोपहर का खाना खा के जब शाम को बारात जाने का टाइम हुआ तो मैंने पापा के सामने जिद की कि मेरे को भी बारात में जाना है। सो दोपहर का खाना जिसे हम धाम बोलते हैं हिमाचल में, तो वो सब खा के शाम को बारातियाँ निकल पड़े। सो बारात जानी थी मंडी के संधोली इलाके के किसी गांव में। बारातियों की बस ठसा ठस भरी हुई थी और रास्ते सब उबड़ खाबड़, बस चले जा रही थी। आखिरकार बस एक पॉइंट पे रुकी जहाँ से आगे का रास्ता जो था हमें पैदल तय करना था, और जिस जगह पे हम रुके थे वहाँ से अभी गांव बहुत दूर था और हमें एक खड्ड पार करनी थी। आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना था और दिन वैसे भी ढलने लग पड़ा था और बराती सारे नशे में धुत धीरे धीरे चल रहे थे। वधु पक्ष का घर दूर के किसी गांव में था और उसके लिए खड्ड को पार करके जाना था। इतने में ही किसी बड़े बुजुर्ग ने पीछे से आवाज ली कि जल्दी चलो भाई, 7 बजे में कैसे भी करके और लड़की वालों की तरफ पहुंचना है। बराती सारे नशे में धुत चले हुए धीरे धीरे। अभी जैसे मेरे को पता था कि आगे खड्ड पार करनी है तो मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि मेरे को बचपन से ही पानी बहता हुआ पानी और नदी वगैरह देखने का बहुत शौक था। पर जब हम खड्ड के पास पहुंचे तो पानी तो ना मात्र था, वहां पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, ऐसा लग रहा था पानी की खड्ड न हो के पत्थरों की खड्ड हो। खैर जैसे तैसे उस खड्ड को पार कर लिया और कुछ देर के बाद हम दुल्हन पक्ष के घर पे पहुंच गए और वहाँ पे एज यूजुअल सारी उनकी रस्में रिवाज सब शुरू हो गया। एक तरफ बराती शराब पी के दूतों के नाच रहे हैं, कोई खाना खा रहा है, हम सब बच्चे मिलके वहाँ पे डांस वगैरह कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मटर गस्ती कर रहे हैं। इतने में से मंडप की तरफ से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ें लगी हमें, तो सब भागे भागे वहाँ पे देखने गए कि आखिरकार हुआ क्या। मैं भी फटाफट मंडप की तरफ भागा देखने की आखिरकार हुआ क्या था। और जैसे मैं वहाँ पहुँचा मैंने देखा दूल्हे को कम से कम 4-5 लोगों ने पकड़ के रखा हुआ था, वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रहा था। मंडप की सारी हवन सामग्री बिखरी पड़ी थी, आग में से धुआं निकल रहा था जो कि हवन कुंड बुझ चुका था। दूल्हे का चेहरा अचानक से लाल हो गया और उसने अपने सिर पे लगा हुआ सहरा पटक के फेंक दिया और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा। ये सब देख के जो वहाँ की महिलाएं थी वो सब रोने लग पड़ी कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि पिंकू चाचा जो इतने शरीफ, इतने मतलब शांत स्वभाव के, कभी गुस्सा नहीं करते, वो अचानक से आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने में पापा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड में ले गए जहाँ पे हम खाना खा रहे थे और बोला तू यहीं रुक मैं आता हूँ। तो वहाँ तो मैं तो चला गया पर मेरा ध्यान तो अभी उसी तरफ था कि आखिरकार हो क्या रहा है वहाँ पे, क्योंकि किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था। अजीब अजीब सी आवाज़ें, कोई रो रहा है कोई चिल्ला रहा है, कुछ नहीं पता लग रहा था क्या हुआ। इतने में मैंने देखा कि जो दूल्हा था वो बेहोश हो गया, पंडित वगैरह अपना जाप कर रहे थे और कम से कम आधे घंटे के बाद दूल्हे को होश आई। तो इतने में मैंने सुना किसी बुजुर्ग औरत ने बोला कि लाड़े जब्ट लगी, मतलब कि मतलब होता ना ओपरी हवा लग गई। कुछ देर बाद पापा आए और मुझे वहाँ पे ले गए जहाँ पे बरातियों के सोने का इंतजाम था और मैं सो गया। खैर जब अर्ली मॉर्निंग में उठा तब तक ये सब रस्में मतलब ख़त्म हो गई थी और विदाई की तैयारियां थी, औरतें रो रही थी, दुल्हन रो रही थी और पालकी मतलब वापस जाने के लिए प्रस्थान करने लग पड़ी। ये अर्ली मॉर्निंग की बात है। तो जैसे जैसे पालकी घर से दूर होती गई दुल्हन की रोने की आवाज़ और बढ़ती गई। तो ये उस दौर की कहानी है जब बारात में सिर्फ मर्द लोग जाते थे, अभी तो आजकल जैसे औरतें भी जाती हैं, बहनें सब कुछ जाती है। उस दौरान अब 30-40 साल पहले आपको पता है रिवाज हो रही है सब। खैर फिर बारात उसी जगह पहुंच गई जहां से उस खड्ड को वापस पार करना था। तो हम लोग जो बच्चे थे वो आगे आगे चलते गए, भाग रहे थे कि आगे देखते बस में कौन बैठेगा, आगे वाली सीट का सबको होता ना कि आगे वाली सीट में बैठना। तो हम सारे बच्चे भाग रहे थे, इतने में पीछे से अजीब से शोर लग पड़ा आने और हम रुक गए। तो जब मैंने पीछे जाकर देखा तो पालकी वहाँ पे रुकी हुई थी और सुनने में आया कि पालकी से बहुत अजीब अजीब सी रोने की आवाज़ आ रही है और करीब से सुनाई दिया कि जैसे पालकी के अंदर बहुत तेज गुर्राने की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई गुस्से में गुर्रा रहा हो। लड़की के भाई ने पर्दा उठाया और अपनी बहन से बातचीत करने की कोशिश की, पर जैसे उसने पर्दा उठाया दुल्हन पालकी में रखे हुए शीशे की तरफ देखे जा रही थी और उसको देख के गुर्राए जा रही थी।
तभी एक और चीज अचानक से देखने में आई कि जिन चार बंदों ने पालकी को उठाया हुआ था वो अचानक से बोलने लगे कि पालकी इतनी भारी होगी, पालकी टस से मस नहीं हो रही थी, मतलब वो ना आगे बढ़ पा रहे थे ना वो पीछे जा पा रहे थे, इतनी भारी पालकी होगी, उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि हो क्या रहा है। इतने में जो लड़की का भाई था और आसपास के और कुछ लोग थे, उन्होंने भी पालकी को उठाने की कोशिश की, मगर पालकी जिस डायरेक्शन में जानी चाहिए वहां पे नहीं जा रही थी, इधर एक दो कदम हिल रहे थे, कभी इधर हो रही थी कभी उधर हो रही थी, पर मतलब जिस साइड उसको जाना चाहिए था पालकी का वो हिल ही नहीं रही थी। आखिर में जिन्होंने पालकी उठाई थी वो थक गए और बोलने लगे कि नहीं अब हमसे नहीं उठाई जा रही और हम नीचे रख देंगे। इतने में ही कई बोलने लगे कि नहीं नहीं पालकी नीचे मत रखना, इससे कुछ अनर्थ भी हो सकता है। कोई बुजुर्ग किसी तरह की सलाह दे रहा था, कोई बोल रहा है पंडित को ढूंढ के लाओ। इतने में ही पंडित की खोज शुरू हुई, तो पंडित ही नहीं वहां पे, पंडित पता नहीं कहाँ गया। मैं वहां पे डरा हुआ खड़ा था और सब कुछ अपनी आंखों से दे रहा था। इतने में ही एक बुजुर्ग आदमी ने बोला कि लाड़े हो सद्दा पर फटाफट जैसा लोहा का ना जैसा तैसा हाथ पकड़ा, मतलब कि दूल्हे को बुलाओ और उसको बोलो कि इसका हाथ पकड़े, अब पता नहीं होगा कुछ इसके पीछे टोटका। जब आगे देखा तो दूल्हा भी वहां से गायब। तभी किसी का ध्यान खड्ड की तरफ गया और वहां पे देखा कि दूल्हा अकेला भागे जा रहा है दूर दूर और अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा है, रो रहा है। बरातियों में से कुछ लोग फटाफट दूल्हे की तरफ उसको पकड़ने के लिए दौड़े। इतने में ही दुल्हन की पालकी के अंदर से बहुत तेज डरावनी आवाजें आना शुरू हो गई। मां नहीं जाने देनी है, मतलब कि मैं इसे जाने नहीं दूंगा। उस आवाज को सुनते तो मेरे मतलब ऐसे प्राण ही सूख गए, इतनी डरावनी आवाज मैंने जिंदगी में नहीं सुनी थी, इतनी खतरनाक और डरावनी आवाज थी वो। इतने में एक बुढ़े अंकल आया, उसने पूछा भी कौन तू, मतलब कि तू कौन है। पालकी के अंदर से आवाज आई, मैं कोई भी है पर मां नहीं जाने देनी है, मैं कोई भी हूँ पर मैं इसको जाने नहीं दूंगा। इसी दौरान कुछ लोग दूल्हे को पकड़ के लेके आए। जो दूल्हा था वो वैसे हड़बड़ाया हुआ था, आधा बेहोश सा लग रहा था, ना उसे चला जा रहा था ढंग से, ना उसे बोला जा रहा था, वो बेसुध हुआ पड़ा था। और ये सब जो हो रहा था इस सबको होते हुए कम से कम आधा पौना घंटा हो चुका था। पालकी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, लोग थक गए थे, बारी बारी से पालकी को उठा रहे थे, सबके चेहरे पे वहां पे डर साफ दिखाई दे रहा था, सब लोग बहुत डर चुके थे क्योंकि किसी को भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। इतने में ही कोई बंदा स्थानीय चेले को लाया, बुलाकर उसने आते कुछ मंत्र बड़बड़ाए और जो दूल्हा था उसको टीका वगैरह लगाया और पूछा कि इस दूल्हे की तलवार कहाँ है। जैसे दूल्हा अपने साथ तलवार लेके जाता है शादी में तो तलवार ना मिले, फिर जिस तरह से करके चलो तलवार मिल गई, उसने तलवार को तलवार पे लगा जो कपड़ा था उसको हटाया, उस पर टीका वगैरह मंत्र वगैरह फूके और दूल्हे को बोला कि तू तलवार के साथ पालकी की फेरी लगा और बाद में तूने इस तलवार से पालकी को टच करना है। दूल्हे ने ठीक वैसे ही किया और जैसे उसने अपनी तलवार पालकी से टच की, दुल्हन इतनी जोर से चीखी अंदर से, बहुत तेज रोने की आवाज आई और अचानक से जिन्होंने पालकी उठाई थी उन सबका संतुलन बिगड़ गया क्योंकि इतनी भारी पालकी अब अचानक से हल्की हो गई पहले की तरह। जैसे ही पालकी हल्की हुई चेले ने बोला इस पालकी को फटाफट यहाँ से ले जाओ जितनी जल्दी हो सकता है, और ये सुनते ही बस जिन्होंने पालकी उठाई थी वो जल्दी से जल्दी उस पालकी को वहां से खड्ड से निकाल के एक ऊपर एक जगह आई, वहां पे ले गए, तब जाके उस पालकी को जमीन पे रखा। जब पालकी का पर्दा उठा के देखा तो दुल्हन होश पड़ी थी, उसको पानी के छींटे वगैरह मारे, पानी पुनी पिलाया, फिर वो होश में आई, बिल्कुल नॉर्मल थी, उसको मतलब देख के ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि इसके साथ कुछ हुआ है, बिल्कुल नॉर्मल थी। और उसी दौरान में दूल्हा भी एकदम नॉर्मल हो गया था कि मतलब कोई उनको देख के बोल नहीं सकता था कि हाँ इनके साथ कुछ हुआ है या अभी कुछ होके हटा है, सब बिल्कुल नॉर्मल हो गया पहले की तरह। इस सब के बाद जो है बारात आराम से घर पे लौट गई अपने और हम सब ने धाम वगैरह खाई और वापस अपने घर आ गए। कुछ साल पहले मैंने पापा से दोबारा इस घटना के बारे में पूछा तो पापा ने बोला कि जिस खड्ड में ये सब हुआ उसका नाम है बक्कर खड्ड और वहाँ पे भूत प्रेत वगैरह ऐसा माना जाता है कि काफी होते हैं, कि कोई भूत जो था वो दूल्हे को खड्ड में चिपक गया था और उसी की वजह से वहाँ पे वो जब हवन वगैरह हुए थे तो उसमें हवन को भंग करने की कोशिश कर रहा था और वही भूत जब बारात वापस आई तो दोबारा से दुल्हन को चिपक गया और उन्हें जाने नहीं दे रहा था आगे। और चेले ने बोला कि अगर पालकी को नीचे रख दिया जाता तो शायद दुल्हन की मौत भी हो सकती थी इससे। खैर बस ये थी कहानी, अब कितनी सच्चा है कितनी झूठ है ये तो मेरे को भी नहीं पता, जो मंडी के लोग हैं जो खासकर बकर खड वाले हैं उनको पता होगा कि ये कहानी सच है कि नहीं, मेरे को भी ज़रूर बताएं, मैं भी जानना चाहूँगा ये सच है कि नहीं। बाकी उसके बाद स्टोरी में उसने बताया कि आगे की लाइफ उनकी बिल्कुल नॉर्मल थी और इसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, मतलब कि मतलब अब वो खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और मतलब सब ठीक है, नॉर्मल है उसके बाद से। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में, वो कौन हो सकता है, ऐसा क्यों हुआ, या मतलब क्या लॉजिक था इसके पीछे। और साइंस वाले भी अपना लॉजिक डाल सकते हैं कि भूत प्रेत ऐसा कुछ नहीं होता, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंड, एंड वो सब कुछ बताओ, सबके कॉमेंट्स यहाँ पे स्वागत है सबका। तो अपनी अपनी राय ज़रूर दें क्योंकि मुझे भी जानना है कि मतलब ऐसा सच में हो सकता है या हुआ था। मंडी वाले बकरखड वाले ज़रूर कमेंट्स करें, बिकॉज में जो मेरी पुरानी बैजनाथ वाली कहानी थी उसमें बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि वो सच कहानी है, और जो खुद बैजनाथ पपरोला से लोग थे उन्होंने खुद ये कमेंट्स किए कि नहीं भाई ये सच कहानी है और बहुत लोगों के साथ वहाँ पे ऐसा हुआ और ये सब होता रहता है, बहुत कॉमन है। तो इसमें भी मैं आशा करता हूँ कि जो मंडी वाले हैं बकरखड संदौल इलाके वाले वो ज़रूर बताएं कि इस खड्ड का नाम क्या बकरखड ही है, कि अब बदल गया है, क्या सच में ऐसा कुछ होता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट मंथ लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर और कहानियाँ सुननी है। तो बाय बाय, टेक केयर।